नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। मैं शिता श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ। तो चलिए नजर डाल लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर रफ्तार से। तनाव के बीच आज फिर मिले भारत चीन के सैन्य अधिकारी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने को लेकर भारत चीन की सेना के बीच एक बार फिर बातचीत हो रही है। चीनी सेना के आग्रह पर ये बैठक बुलाई गई है। कोर कमांडर स्तर की बैठक चीन की तरफ मोल्डो इलाके में हो रही है। ये बैठक गलवान में चीन के साथ हुई झड़प के बाद बने तनाव को कम करने को लेकर हो रही है। बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं, तो चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन बैठक में शामिल होंगे। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच यह बड़ी बातचीत हो रही है। इसका मकसद LAC पर पहले की स्थिति को बनाना है। मनमोहन सिंह ने दी मोदी को नसीहत, कहा अपने शब्दों के प्रभाव पर ध्यान दे PM। पूर्व लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन को लेकर दिए गए बयान पर पूरा विपक्ष हमलावर है। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी बयान जारी कर PM मोदी को नसीहत दी। मनमोहन सिंह ने कहा है कि PM मोदी को अपने शब्दों के प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने बयान में चीन के षड्यंत्रकारी दावे को बल नहीं देना चाहिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्ट सेक्टर परेशान, सप्लाई पर पड़ रहा है असर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी में आवश्यक सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी। कोरोना संक्रमण के दौरान ये बढ़ोतरी जनता पर दोहरी मार साबित हो रही है। कोरोना काल में छोटे ट्रांसपोर्ट मालिक दूध, सब्जी और फल की सप्लाई में लगे थे, इन्हें अब महंगे डीजल और पेट्रोल खरीदने पड़ रहे हैं। और बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के साथ ड्राइवर्स का भी पलायन हुआ है। डिमांड कम हुआ तो ट्रांसपोर्ट का 65% काम खत्म हो गया। सिर्फ 30% ट्रक मालिक अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की मार से जूझ रहे हैं। गलवान घाटी में तनाव के बीच चीन से बातचीत, दोनों ओर हजार हजार जवान तैनात। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में 15 जून को जो खूनी भिड़ंत हुई, उसके बाद से बॉर्डर पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। दोनों देशों के बीच तब से अब तक कई बार बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन कोई भिड़ंत नहीं हुई है। हालांकि दोनों ही ओर 1,000 से अधिक की संख्या में सैनिक तैनात खड़े हैं। इस स्थिति के बीच सोमवार को एक बार फिर दोनों देशों की सेनाएं बात करेगी। गलवान घाटी के PP-14 क्षेत्र में अब दोनों देशों की सेना अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। चीनी सेना यानी PLA-LAC पर आर्टिलरी और टैंक के साथ मौजूद है, तो वही भारत की सेना भी पूरी तरह से तैयार है और तैनाती मजबूत कर दी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,25,000 के पार। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.25 लाख के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में भारत में 445 और मरीजों की मौत हो गई। वहीं कोरोना टेस्ट में 14,821 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब 4,25,282 हो गई, जिसमें 1,74,000 एक्टिव केस, 2,37,000 ठीक हुए मामले और कुल 13,699 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खास और मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। InstaFeed.